टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले श्रीलंका के गेंदबाज मुथैया मुरलीधरन हैं। वे अपने 800 विकेट के साथ एक नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित कर चुके हैं। ये विश्व रिकॉर्ड उन्होंने आज ही के दिन यानी 22 जुलाई 2010 में स्थापित किया था। भारत के खिलाफ गोल में सीरीज का पहला टेस्ट ऑफ स्पिनर मुरलीधरन के लिए यादगार रहा। टेस्ट शुरू होने से पहले मुथैया मुरलीधरन के पास 792 विकेट थे और वह मैच से पहले ही संन्यास की इच्छा जता चुके थे। मुरलीधरन 800 विकेट के जादुई आंकड़े को छूने से केवल 8 विकेट दूर थे। उस टेस्ट मैच के तीसरे दिन तक उन्हें एक ही विकेट मिल पाया था। वह विकेट क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर का विकेट था। इसी के साथ उनके विकेटों की संख्या 793 तक ही पहुंच पाई थी और मैच का दूसरा दिन बारिश की वजह से रद्द हो गया था। लेकिन चौथे दिन भारत के 12 विकेट गिरे, जिनमें से 5 विकेट मुरली ने चटकाए। पांचवें दिन फॉलोन पारी खेल रही टीम इंडिया मैच बचाने के लिए लड़ रही थी। वीवीएस लक्ष्मण के रनआउट होने के बाद मुरलीधरन को अपने 800 विकेट पूरे करने के लिए महज एक विकेट की दरकरार थी। उस वक्त कई तो ऐसा सोच रहे थे कि मुरली के विकेटों की संख्या 799 से आगे नहीं बढ़ पाएगी। आखिरकार प्रज्ञान ओझा को उन्होंने अपना शिकार बनाया और उन्होंने अपने 800 विकेट पूरे किए। ऐसा करने वाले वह विश्व के एकमात्र गेंदबाज हैं। श्रीलंका ने यह मैच 10 विकेट से जीता था। अगर बात करें मुथैया मुरलीधरन के रिकॉर्ड की, तो उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 133 मैच खेलकर 800 विकेट चटकाए हैं, जो एक रिकॉर्ड है। उनके बाद टेस्ट क्रिकेट में शेन वॉन के नाम 708 विकेट दर्ज हैं। वहीं वनडे मुकाबलों में मुरलीधरन ने रिकॉर्ड 534 विकेट निकाले हैं। उनके बाद पाकिस्तान के वसीम अकरम 502 विकेट लेकर दूसरे स्थान पर हैं। क्रिकेट के ऐसे ही और रोमांचक किस्सों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।